हेलो हेलो हेलो, हो गया? चल हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मैं हूं तमन्ना खटोच और अभी लेके आई हूं आपके लिए जॉब्स अड्डा के करंट अफेयर्स का सेगमेंट। आपके सामने स्क्रीन पर है जॉब्स अड्डा की मैगजीन, फेब एडिशन की मैगजीन। इसके अलावा हमारी जॉब्स अड्डा की मार्च एडिशन की मैगजीन भी आउट हो चुकी है। एंड यस, आपको उसका एडिशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा। ओके, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड वहां से मार्च एडिशन वाली मैगजीन को डाउनलोड करें। ओके, चलिए आते हैं आज हम अपनी पहली न्यूज की तरफ, जो है हिस्ट्री के रिलेटेड। यस अगेन, हिस्ट्री की न्यूज। आपको पता है कि इम्पोर्टेंट डेज एंड ईयर्स के रिलेटेड ये न्यूज रहती है। देखते हैं सबसे पहली वाली न्यूज में क्या है। वेरी फर्स्ट न्यूज इज इनॉग्रेशन ऑफ भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम इन रांची। रांची में एक, झारखंड की कैपिटल रांची में एक म्यूजियम बन रहा है, एक म्यूजियम बन रहा है। ये जो म्यूजियम है इसका नाम होने वाला है भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। अच्छा, भगवान बिरसा मुंडा की बात करें तो ये एक क्या कहूँ, एक ट्राइबल जो पीपल के हेड थे वहां के, कहाँ के, झारखंड के। उन्होंने अपने ट्रेडिशंस को सेव करने के लिए काफी लड़ाई लड़ी थी एंड इनका नाम काफी हाईलाइट किया जाता है जब भी झारखंड और ट्राइबल लोगों की बात की जाती है। तो ओके, तो पढ़ते ही पूरी न्यूज। बेसिकली ये जो म्यूजियम है ये सेटअप करने की बात, ये इनॉग्रेट करने की बात ही नरेंद्र मोदी जी ने की। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट करवाया, कहां पर, रांची में। रांची में इनॉग्रेट कराया एंड अगेन वो खुद वहां पर झारखंड में, रांची में वो प्रेजेंट नहीं थे। उन्होंने इस म्यूजियम को इनॉग्रेट करवाया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस उन्होंने इसको इनॉग्रेट करवाया। इसका म्यूजियम का नाम है भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम एंड यस, ये भगवान बिरसा मुंडा की ही याद में बनाया गया है। ओके, एंड जब मोदी जी ने इसके बारे में बात करने लगे, जब इनॉग्रेशन के टाइम पे वो बात करने लगे, तो उन्होंने ये कहा कि वो एक ट्राइबल म्यूजियम खोल रहे हैं जो कि आपको हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलेंगे। उनमें से एक और एडिशन मोदी जी उसमें कर रहे हैं, ट्राइबल म्यूजियम बना रहे हैं। उसका नाम जो रिसेंटली 2021 में लॉन्च हुआ है ये ट्राइबल म्यूजियम, इसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, एंड ताकि ट्राइबल लोगों के ट्रेडिशंस को भी सेव किया जा सके। ठीक है, टू सेव द ट्रेडिशंस ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी के ट्रेडिशंस को सेव करके रखा जा सके म्यूजियम में। ओके, अच्छा, इसके अलावा मोदी जी ने कहा दैट द नेशन हैज डिसाइडेड दैट द ट्राइबल ट्रेडिशंस, ट्राइबल लोगों के जो ट्रेडिशन है, जो उनके रीति रिवाज है, उनका जो वैलर है, उनका जो वैलर, उनका जील, उनकी स्ट्रेंथ जो भी है, ड्यूरिंग द एलेक्जियर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे उन लोगों ने जो अपना वैलर, अपना जील, अपना अपना पोटेंशियल जो शो करवाया था, उसको याद रखने के लिए इनको एक ग्रैंड आइडेंटिटी दी जाएगी जिसके तहत इनको एक डिफरेंट एक इनके ट्राइबल जो हेड थे भगवान बिरसा मुंडा, इनके नाम पे एक म्यूजियम लॉन्च किया जा रहा है रांची में, झारखंड। ओके, अब फिर ये हिस्टोरिक, अगेन यस, दिस वाज एन हिस्टोरिक डिसीजन टू सेटअप एन ट्राइबल म्यूजियम। ये काफी हिस्टोरिक डिसीजन रहा। अब ये जब बिरसा मुंडा म्यूजियम की बात जब की गई, तो ये कौन से दिन पे बनाया गया? ये लिया गया फैसला जब लॉर्ड बिरसा मुंडा की खुद की बर्थ एनिवर्सरी थी, जब ये पैदा हुए थे उसी दिन पे ये डिसीजन ले लिया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि भगवान बिरसा मुंडा, दैट इज ट्राइबल लोगों के जो हेड रहे राज्य, सॉरी आपके झारखंड में, इनके
इनके जन्मदिन के दिन मनाया जाएगा ट्राइबल पीपल डे। यस, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल मनाया जाएगा ट्राइबल प्राइड डे, ट्राइबल प्राइड डे, ठीक है। और डेट रहेगी नवंबर 15 को लॉर्ड बिरसा मुंडा का बर्थडे होता है एंड इसी दिन ट्राइबल प्राइड डे हर साल नेशन में मनाया जाएगा। ओके, अब इनके स्ट्रगल की, इनके रिवोल्ट की बात करें तो क्या था कि इनकी जो बिरसा मुंडा रिवोल्ट थी वो 1899 से 1900 तक चली, लाइक एक वन ईयर तक चली एंड लेड बाय बिरसा मुंडा ने खुद से इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड खुद वो इस मूवमेंट के लीड लिए हुए थे। वाज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रेबेलियन उस टाइम पे, छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में काफी ज्यादा चर्चा में रहा था ये रेबेलियन एंड इन्हीं के नाम पे इस रेबेलियन को मुंडा उल्लंघन भी कहा जाता है। इधर उलगुलान लिखा हुआ है लेकिन इट्स उल्लंघन, ठीक है, इसको मुंडा उल्लंघन भी कहा जाता है। दिस रेबेलियन स्टार्टेड ड्यू टू द चेंज, अच्छा यस, जो ट्रेडिशनल सिस्टम, जो एक मुंडा ट्राइब का जो अपना एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है उसको चेंज किया जा रहा था, जब जमींदारी सिस्टम खून तख्ती का अनाउंस किया जा रहा था तो इनका खुद का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको ट्रिगर किया जा रहा था। तो उसके फलस्वरूप में क्या हुआ, मुंडा एंड अदर ट्राइबल पीपल की कमेटी भड़क गई एंड उन्होंने रेबल किया अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है। अब इन्हीं को बिरसा मुंडा जी को ही कहा जाता है धरती अब्बा, क्या कहा जाता है इनको ही कहा जाता है धरती अब्बा, ठीक है, बिकॉज ऑफ मुंडाज लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेबेलियन, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस रेबेलियन में, अपनी पूरी लाइफ को निछावर कर दिया। ओके, एंड यस, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, रिसेंटली कौन सा ट्राइबल म्यूजियम जो है वो पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया हुआ है, आपको नाम पता है, भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम, ये ट्राइबल म्यूजियम होने वाला है। अब इसकी जगह पूछ सकते हैं कि कहां पर है, तो आपको पता है रांची झारखंड, या फिर ये पूछ सकता है कि रिसेंटली किसकी बर्थ एनिवर्सरी को ट्राइबल प्राइड डे मनाने की घोषणा की गई है, तो वो भी आपको आंसर पता होना चाहिए। या ये भी पूछ सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा कौन से स्टेट से हेल करते थे, कौन से स्टेट में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, तो आपको पता है कहां पर, झारखंड में, वो भी कहां पर, छोटा नागपुर वाले एरिया में। ओके, नेक्स्ट वन इज पाइका रेवोल्यूशन, नेक्स्ट वन इज पाइका रेवोल्यूशन, अगेन एक रेवोल्यूशन ही है, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं एंड रेवोल्यूशन डेट्स की बात ना करें ऐसे कैसा हो सकता है। पाइका रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हमारी जो यूनियन मिनिस्टर है कल्चर, हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि 1817 में जो पाइका रेवोल्यूशन हुआ था कहां पर हुआ था, ओडिशा में हुआ था, उस टाइम की ओडिशा में ये हुआ था जो कि अब बन चुकी है ओडिशा, पहले ओडिशा एंड अब इसका नाम बन चुका है ओडिशा। कब, 2010 में नाम चेंज हुआ ओडिशा का, यस, वुड बी इंक्लूडेड एज अ केस स्टडी एंड यस, यूनियन कल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि 1817 में जो पाइका रेबेलियन हुआ था एंड यस, ये ओडिशा की जो खुद की कहेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस जो थी उनका रेवोल्यूशन या उनका रेबेलियन अगेंस्ट द कंपनी, अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हुआ था, उसको कहते हैं पाइका रेबेलियन, ठीक है। तो अब ये बात कर रहे हैं हमारे कल्चर मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि देखो, जब भी अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ो तो बच्चों की बुक में आप हिस्ट्री को कहां से पढ़ते हैं, 1857 की रिवॉल्ट से, 1857 दैट इज पोए म्यूटनी कहो, या कहो कि इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ईयर 1857 या इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, 1857। अब फर्स्ट चैप्टर हमेशा ये होता है हिस्ट्री में एट्थ क्लास की, लेकिन अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने कहा है कि अब वो चैप्टर नहीं, अब पहला चैप्टर जो होगा वो रहेगा 1817 की पाइका रेबेलियन, 1817 का पाइका रेबेलियन भी हिस्ट्री में एक यूनिट ऐड कर दिया जाएगा एनसीईआरटी की बुक्स में। एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस की बुक्स में ऐड होने वाला, तो यस, एनसीईआरटी वाली बुक्स में
पाई का रेवोल्यूशन 1870 आपको आज तक कभी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ने को नहीं मिला होगा। जब आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते होंगे 8th क्लास की या किसी भी क्लास की, अब आपको वहां पर पाई का रेबिलियन भी देखने को मिलेगा। ओके, मूविंग अहेड वी हैव पाइकल्स के बारे में बात करें तो पाइकल्स कौन थे? ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड गार्ड आर्मी थी, ओरिसा को प्रोटेक्ट करने वाले अंडरग्राउंड जमीन के अंदर छुपके रहते थे। जैसे ही इनको लगता था कि कुछ गड़बड़ी होने वाली है तो वहां से उनके ऊपर वॉर किया जाता था। यस, एंड इन्होंने ओडिशा के किंग्स को काफी ज्यादा सर्विसेज दिए, काफी ज्यादा उनकी हेल्प की। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंट्रोल ऑफ द ओडिशा इन द अर्ली 19th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे कंट्रोल कर देती है, मतलब कब्जा कर देती है ओडिशा पे, एंड फिर उस वजह से क्या होता है कि फिर वहां पर किंग की वैल्यू भी कम हो जाती है एंड पाइका वॉरियर्स की वैल्यू भी, लाइक इनके पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि पाइका जो है वो फिर अंडर ओके जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है ओडिशा में, वो टुक ओवर कर लेती है उस एरिया को, तो जो राजा थे वो भी, उनकी पावर भी कम हो जाती है, जो आर्म्ड फोर्सेस थे अंडरग्राउंड वाली पाइका वाली उनकी फोर्सेस भी हो जाती है कम। अब तब क्या होता है, ये पाइका फोर्सेस जो है, ये पाइका जो है वो आर्म स्ट्रगल वो किसके साथ, मतलब कि वो फिर से अगेंस्ट ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वो फिर से स्ट्रगल शुरू कर देते हैं। एंड इस बार उनके आगे कोई राजा नहीं था बल्कि एक लीडर था जिसका नाम था बख्शी जगबंधु विद्याधर। इनकी लीडरशिप में पाइका फोर्सेस फिर से रेबल, मतलब कि फिर से स्टैंड एज रेबल अगेंस्ट द कंपनी। द पाइका रेबेलियन वाज एन आर्म्ड स्ट्रगल यस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इंडिया में 1817 में उड़ीसा में शुरू हुआ था, एंड 1817 में ये शुरू हुआ था, एंड इसका आपको आफ्टर इफेक्ट 1825 तक देखने को मिलेगा। विद्याधर वाज, फिर उसके बाद विद्याधर को इम्प्रिजन कर दिया गया था, फिर वो वहीं पे मर जाते हैं और 4 साल तक जेल में रहने के बाद वो जेल में मर जाते। ओके, तो ये आपकी फिलहाल हिस्ट्री की न्यूज आज के लिए इतनी ही है। अब इसके थोड़े एमसीक्यूज कर लेते हैं एंड फिर देखते हैं इसके आगे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, मुंडा रेबिलियन इज रिलेटेड टू विच प्लेस? मुंडा रेबिलियन कौन सी जगह से जुड़ा हुआ है? मुंडा रेबिलियन आपको पता है झारखंड, केरला, बंगाल या नागालैंड, तो आपको पता है बिरसा मुंडा कहां पर? रांची, छोटा नागपुर, झारखंड। आंसर विल बी झारखंड। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द India's first war of independence? India ki first war of independence jo hai, first war of independence 1857 mein hui thi, right? Uska dusra naam kya hai? Dekho, yahan par to easy hai, isne date likhi hui hai, jis bachcho ko date pata hogi, wo to easily is question ka answer de sakte hain. That is, bohton ke man mein aa raha hoga, yes ma'am, yahi hai answer, and yes, yahi hai, that is Sepoy Mutiny. India ki armed forces ki mutiny against the British rule. Okay, next one. Pika's military tribe, Pika rebellion, yeah, Pika rebellion 1857. Tribe belongs to which of the following state? वो कौन सी वाली state के साथ है Pika military tribe? कौन सी वाली किस वाली state के साथ जुड़ा हुआ है? तो आप देखेंगे झारखंड, बिहार, यूपी, उड़ीसा, कहां पर आपको देखने को मिलेगा Pika rebellion? झारखंड में तो नहीं, वहां पर तो अभी हमने पढ़ा बिरसा मुंडा। बिहार में भी नहीं, यूपी में भी नहीं, ओडिशा में, यस एग्जैक्टली ओडिशा में, देन इट वाज ओडिशा, एंड यस ओडिशा में आपको वो देखने को मिला। ओके, एंड यस, यहां पर हमारी ये हिस्ट्री के रिलेटेड ये जो आज न्यूज थी ये आज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर 2021 के इंपॉर्टेंट डेज एंड उनकी थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।